उसका नाम है सुरभि। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ हम आपको शहर के बारे में बताते हैं कि कहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं, खाने पीने के शौकीन हैं तो कहाँ आप जा सकते हैं, और इसके अलावा भी काफी कुछ है। लेकिन अभी आपके साथ कौन है चलिए बता देते हैं एक बार फिर से। मेरा नाम है मानिका जैन, रहिएगा आकाशवाणी गोल्ड पर, बतियाएंगे ना। जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हम। बहुत बार होता है कि कुछ पाने की चाह में कई बार बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन जब पढ़ने लिखने की उम्र हो तो आप यकीन मानिएगा उस उम्र में जो बहुत कुछ पाना है ना उसके लिए कुछ कुछ छोड़ दीजिएगा। मसलन थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप से दूर रहिएगा आप, सोशल जो साइट्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो लीजिएगा और ध्यान लगाइए अपने पढ़ने पर। अब चूंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात की भी बहुत चिंता होगी कि आखिर DU में जो सेमेस्टर का दाखिला है वो डेट कहीं निकल ना जाए, और जिन बच्चों की डेट अगर निकल गई है तो आप सबके लिए खुशखबरी है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने DU में जो सेमेस्टर होने वाले थे ना उसकी तारीख को बढ़ा दिया है। तीसरा सेमेस्टर जो होने वाले हैं तो उसके लिए जो दाखिला की जो तारीख है और जो माइग्रेशन जिन बच्चों को अपना कराना है उसकी तारीख बढ़ाकर 13 अक्टूबर तक कर दी गई है, तो आप लोग समय रहते आवेदन कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जिन विद्यार्थियों का पहले और दूसरे सेमेस्टर में जो पास हो गए हैं, रिजल्ट उनका सक्सेसफुल रहा है, वही बच्चे जो है वो माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गोया मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूं,
जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये वो उम्र होती है जहां आपको न कमाने की चिंता है और ना ही कोई दूसरी टेंशन है। खूब जी लगा के मेहनत करिएगा, सच्ची बता रहे हैं, हम भी मेहनत करते हैं और तभी तो आपसे कह रहे हैं जरा देर रुक जाइए ना। मैं बस यूं गई और यूं आई, सच्ची बोल रही हूं, सच्ची में। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, FPO या दूध उत्पादन कंपनियों और AI टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2023। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
तो फिर भी बताता है चेहरा। अच्छा, वैसे आपको पेंटिंग्स, आर्ट्स, स्कल्पचर्स जो होते हैं उनको देखने का शौक है? अगर सच में आप ये शौक रखते हैं तो यकीन मानिएगा बहुत सारी जगहों पर आप जा सकते हैं। अब चूज आपको करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं आपको पहले एक के बारे में बता देती हूँ, प्यूकारा बुल का जो शो है वो होने वाला है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। आर्ट एग्जीबिशन द प्यूकारा बुल एम्बेसडर ऑफ द पेरुवियन हाइलैंड्स आर्ट गैलरी कमला देवी कॉम्प्लेक्स। सुबह आप 11 बजे से शाम 7 बजे तक वहां कभी भी जा सकते हैं और दक्षिण पेरू के पूनो इलाके के सांस्कृतिक सिंबल को दर्शाता है ये बेल का शो है जो ताकत, शक्ति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप ये भी देख सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जाकर, और इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्ट एग्जीबिशन पहचान ओपन पाम कोर्ट गैलरी लोधी रोड सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। रूमी पोद्दार की ये पेंटिंग एग्जीबिशन आज कला प्रेमियों के बीच में चर्चा का विषय है। तो भाई देखिए, जिन्हें पेंटिंग का शौक है, जो जानना चाहते हैं कि हर कला, हर संस्कृति अपने विषय में क्या कहती है, कोई शक्ति के विषय में बात करता है तो कोई संपन्नता और समृद्धि के विषय में बात करता है, पर हम तो बस इतना भर जानते हैं कि भाई जब आप आर्ट के विषय में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने समूचे व्यक्तित्व के विषय में बात करते हैं, है ना? ओह नो, no.
तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। खूब चेहरा है तेरा, दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हंसी ताज महल। तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया। जुल्फ की हम जवां जंजीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हंसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझसे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी। प्यार की हम अजब तासीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। चांदनी रात भी जालिम तेरी परछाई है, और सूरज ने तेरे गालों से चमक पाई है। गर तुझे देख ले कश्मीर तो शर्मा जाए, और फरिश्ता जो अगर देख ले ललचा जाए। हम नए रंग की एक हीर लिए फिरते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरित मानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें।
रातों को नींद न आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मैं तो हर बार कहती हूँ और बार बार ये बात कहती हूँ, अगर बार बार बोलती हूँ तो फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे मत बोलो, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर तनाव रहता है, उदास रहते हैं, अकेलापन महसूस होता है, तो जनाब काहे के लिए किसी का साथ ढूंढना। आप चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर अपना व्हीकल उठाइए और चले जाइएगा थोड़ी देर घूमने के लिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी खुशियों के लिए किसी दूसरे का कंधा हो। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हैं और कोई खुशी खुशी कंपनी दे रहा है तो जनाब जरूर चले जाइएगा। अब जैसे मैं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा जहां मन करता है मैं वहां घूम आती हूँ। पहले बहुत शर्माती थी कि हाय अकेली जाऊंगी चाट खाने के लिए, लोग क्या बोलेंगे। मैंने कहा है खाना तो मुझे है, दो लोग जाएंगे, चार लोग जाएंगे, वो अपने दोने से खाएंगे, मैं अपने दोने से खाऊंगी, तो भैया मुझे क्या मालूम और दुनिया को क्या मालूम ठेले पे कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। मस्त खड़े होइएगा, जिंदगी का मजा लीजिएगा। और अगर आप भी उदास रहने लगे और आपको लगता है कि पेंटिंग का, स्कल्पचर का आपका जो शौक है वो मरता जा रहा है, तो भाई ऐसा मत सोचो। देखो ना, ये जो मिट्टी के रंग बिखरते हैं ना, तो अपनी सुगंध के साथ साथ सच मानिएगा बहुत बहुत भीतर तक सुकून देते हैं। और त्रिवेणी कला संगम में आप इसका आनंद ले सकते हैं। टेराकोटा की एग्जीबिशन टेरा फेस्ट तानसेन मार्ग मंडी हाउस सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक है। तो दिल्ली ब्लू पॉटरी की इस एग्जीबिशन में टेराकोटा कलरों की जो खूबसूरती है, जो उसका हुनर है, उसका आप जी भर के आनंद ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपको कुछ पता हो, कहीं जाना हो, तो एक काम करिएगा, त्रिवेणी कला संगम में स्कल्पचर एग्जीबिशन, पेंटिंग एग्जीबिशन, द एचांटेड कैनवास और द स्कल्पचर ओएसिस तानसेन रोड मंडी हाउस पर ही 11 से शाम 8 बजे तक है। 8 पिलग्रिम की ओर से रखे जा रहे शो में आप स्कल्पचर, मेटल, ग्लास, सेरेमिक आर्टवर्क की जो खूबसूरती है उसका जी भर के आनंद उठा सकते हैं। वैसे अगर आप भी कोई शौक रखते हैं तो उसे जिंदा करिएगा। और सच्ची बात बताएं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कोई पेंटिंग करो, बस जी जनाब दिल में आए रंग लीजिए, हाथों में लगाइएगा, बड़ा सुकून मिलता है। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। ये मेरी जिंदगी बेजान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। बस आज मेरी खोई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई, मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। अब के बहार में इस इंतजार में दिल का वो हाल था, मुश्किल ये साल था। अब के बहार में इस इंतजार में दिल का वो हाल था, मुश्किल ये साल था।
दीवान के लिए एक जंजीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। तस्वीर में मगर ये कौन है बता, इसको जरा उठा मुझको यहाँ बिठा। तस्वीर में मगर ये कौन है बता, इसको जरा उठा मुझको यहाँ बिठा। क्या काम इसका रांझे को हीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। आई है टूट कर तुझ पर जवानियां, बचपन की है मगर सारी निशानियां। आई है टूट कर तुझ पर जवानियां, बचपन की है मगर सारी निशानियां। मेरे हसीन ख्वाब की ताबीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, मिल गई मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। तस्वीर तो अक्सर कर मिले ठेले में बहुत सारी मिल ही जाती हैं, लेकिन अब मिले ठेले वाला दौर तो रहा नहीं है, गांव जाना हो नहीं पाता है, तो हमने सोचा चले जो खाने पीने के शौकीन हैं, उन्हें हम एक बार फिर से त्रिवेणी कला संगम की तरफ तो लेके जा ही सकते हैं। और त्रिवेणी कला संगम में ब्राजीलियन फूड फेस्टिवल आर्ट ऑफ स्पाइसेस त्रिवेणी टेरेस कैफे, ये जो लगेगा एग्जीबिशन ब्राजीलियन फूड का, उसे आप सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वहां जाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ब्राजीलियन एम्बेसी की ओर से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है और ब्राजील का जायका परोसा जाएगा। वैसे मुझे मालूम नहीं है ब्राजील में खाया क्या जाता है, लेकिन मुझे बस इतना भर मालूम है कि हमारे यहां पर जो हमारा भारतीय खाना है ना, उसे खाने के बाद में बस क्या बोलें, छोड़िए। अब आप सोचेंगे कि लो जी हम तो ऑफिस के लिए निकले हैं, आधे से ज्यादा दिन अब चढ़ने को आ रहा है और ये है कि चटकारे लिए जा रही हैं, लंच टाइम अभी बहुत दूर है, तो कोई बात नहीं ना, बस सोच लीजिएगा खाने किसी और रोज चले जाएंगे। अच्छा एक बात आपसे कहनी थी, छोटा सा एक ब्रेक लेना है इस बीच में, अगर आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए कुर्सी से, ऑफिस में बैठे हैं तो, और घर में अगर आप भाग भाग के काम कर रही हैं तो घड़ी भर के लिए विराम ले लीजिएगा। मैं बस यूं गई और यूं आई। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया स्क्वायर की दिशा में, गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए।
बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर, चार रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। भारत के सभी मैच FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल, DRM, DTH, लोकल रेडियो स्टेशनों पर और अन्य सभी मैचों का आंखों देखा हाल DRM, DTH, लोकल रेडियो स्टेशनों पर आप सुन सकेंगे। तो सुनना न भूलें आकाशवाणी पर ICC विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। सुन के चनक हम तेरे कंगना की, बात है क्या पहचान गए। सुन के चनक हम तेरे कंगना की, बात है क्या पहचान गए। कौन पुकारे, कैसे हैं इशारे, जानने वाले तो जान गए। तेरे सामने खड़े हैं गोरी तेरे सजना, चाहे कुछ भी हो छूटे तुम्हारा संजना। आधी रात को खनक गया मेरा संजना, आधी रात को खनक गया मेरा संजना। देखो वे बीच बीच में ना ऐसे
चटपटी से गाने सुन लेना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तमाम सारे जो गीत होते हैं ना कहीं हमारे और आपके भीतर एक गुदगुदा सा एहसास भर देते हैं। लेकिन जनाब, ये गुदगुदा एहसास तो तभी काम करेगा ना जब आपकी सेहत ठीक रहेगी। और सेहत ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम और आप नियमित तौर पर थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करते रहें। गोया, अब ये मत कहने लग जाना कि भाई सुबह उठना पड़ता है, एक घंटा तो तैयार होने में ही लग जाता है। तो जनाब, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके बगैर आप अपने जीवन में तमाम सारी बीमारियों को दावत दे लेते हैं। अब चलिए पहले बात उसकी कर लेते हैं कि हम कैसे छोटे छोटे काम करके अपना व्यायाम कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जैसे हम एक घंटा निकालते हैं अपने एक्सरसाइज के लिए तो वो तो डेडिकेट हो ही जाता है और उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है वो शानदार होता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि अगर आप सपोज करिएगा कि आपका जो ड्राइवर है वो गाड़ी लेकर आ रहा है या आप खुद भी गाड़ी चला रहे हैं और पार्किंग ऐसी जगह है जहां से 15 मिनट की आपकी वॉक होती है, तो क्या जरूरी है कि आपका ड्राइवर ठीक ऑफिस के दरवाजे पर आपकी गाड़ी को रोके? आप उससे बोलिएगा पार्किंग में गाड़ी लगाओ, मैं वहां से पैदल आऊंगा। 15 मिनट की ये वॉक आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ऑफिस के अंदर सीढ़ियां होती हैं तो ठीक है कि अगर 10-11 मंजिल पे आपका ऑफिस नहीं है, सेकेंड थर्ड फ्लोर तक अगर आपका ऑफिस है तो आप जा सकते हैं सीढ़ियां चढ़ के। हो सकता है शुरू में थोड़ा टाइम लगे, थोड़ी थकान महसूस हो, तो एक या दो मंजिल तक चले जाइएगा, उसके बाद में लिफ्ट ले लीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि अगर हम अपनी सेहत के लिए डेडिकेट तरीके से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपने खाने के अंदर भी परिवर्तन कर सकते हैं। मसलन एक दिन सिर्फ फलों के ऊपर रहिएगा या फिर खिचड़ी खाना शुरू कर दीजिएगा, दही या छाछ पे रहिएगा। ये वो तमाम सारी चीजें हैं जिनके जरिए हम अपने शरीर को हल्का फुल्का बना सकते हैं। वैसे एक बात बताएं हर रोज अगर हम 15 से 20 मिनट की वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको शाम को वक्त मिलता है, सुबह समय नहीं है आपके पास में, तो भी आप शाम को जा सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी खाना खाने के बाद में, यानी डिनर करने के बाद में तेज तेज बिल्कुल मत चलिएगा, आराम से चलिएगा। लेकिन एक बात आपको बोलें, देखिए उम्र तो बढ़ेगी और उसको आप रोक नहीं सकते, ना मैं रोक सकती हूं, इसलिए मजा तो तब है जब 40 पे आप 30 के नजर आओ और 60 पे कोई देखे तो ये बोले वल्ला लगते ही नहीं हो, 40 के ही लगते हो अभी तक। तो बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियां, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो।
खो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए ढीला ढाला लिबास क्यों रेशम पहनो कपास क्यों फन ये जादूगरी का है अरमा तुमको परी का है तो किपला मारो मंत्र टेढ़ी बनकर निकलो वक्त याम बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या जाए हम सचनो ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो हसीना क्या जाए यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो इस तन्हाई में ऐ हसीं इतनी दूरी भली नहीं आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का मेरे हाथों तुम तुम में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा 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 आम ऐसे बनो या वैसे बनो हम तो सबसे यही कहेंगे कि जी खोल के दीवाने बनो अपनी खुशियों के लिए दीवाने हो जाइएगा अपनी सफलताओं के लिए हो जाइए अगर कभी जिंदगी में थोड़ी सी कहीं हार मिल जाए तो काहे का मुंह उदास करना एक बार फिर जोर से पत्थर उछालिए कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है बहरहाल वैसे एक बात बोलूं बोलना मुझे ये था कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद में चली जाऊंगी क्योंकि हमारा जो समाचार विभाग है ना वो भी आपके लिए काफी कुछ चीजें लेकर आते हैं दीन दुनिया की खबरें लेकर आते हैं तमाम सारी ऐसी जानकारी आपको समाचारों के माध्यम से देते हैं जो हमारे आपके सबके लिए बहुत जरूरी है लेकिन 11:10 पे मैं फिर से आ जाऊंगी आपके साथ में तस्वीर लेकर और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे यूनिक पोस्ट ऑफिस के बारे में क्योंकि आज है नेशनल पोस्ट डे जी हाँ राष्ट्रीय डाक दिवस पर हम ऐसे ही कुछ एक पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे जो भारत की शान है रहिएगा एफएम गोल्ड अपना ही है और गोल्ड तो वैसे भी किसी को दिया नहीं जाता है तो आकाशवाणी गोल्ड पर हमारे साथ में रहिएगा मैं फिलहाल आपसे विदा चाहती हूँ इस आस उम्मीद के साथ में कि आप अपनी दिल और दुआओं में मुझे शामिल रखेंगे और कभी कभी कुछ हो जाए तो हल्का सा मुस्कुरा दिया करिएगा Thank you.
सनम। प्यासे होठों की जो कहानी है प्यासे होठों की जो कहानी है पास आके तुम्हें सुनानी है। ये बातें मैं न कर पाऊंगी पास ना न मर जाऊंगी। चलते हैं तन यूं ही चलते फिर।